नमस्कार, मैं हूं मनीष। नवंबर 2020 में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जो अंबिकापुर के किसानों से जुड़ा हुआ था। दरअसल अंबिकापुर के दो किसानों के करीब 5 एकड़ खेत पर धान की खड़ी फसल, लहलाती हुई फसल को अंबिकापुर के नगर निगम के अमले ने जेसीबी से रौंद डाला था, महज इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकारी भवन बनना प्रस्तावित था। भवन बना या नहीं बना, हालांकि ये बात बाद में पता नहीं चल सका। ये खबर देखते ही देखते तब सुर्खियां बन गई थी, तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे प्रमुखता से छापा था। तब सरगुजा के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राकेश गुप्ता, उन्होंने बयान दिया था कि दरअसल नगर निगम के अमले ने जिस धान की फसल को रौंदा है वो धान नहीं था बल्कि घास था। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता का एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तैर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाऊंगा। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि नेता किस तरीके से किसानों को बेवकूफ़ बनाने पर तुले हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसान मजदूर विरोधी काले कानून का विरोध करते हुए आज अखिल भारतीय किसान चक्का जाम का हम लोगों ने भी सरगुजा में समर्थन किया। सरगुजा जिला दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आज साढ़बार बैरियर, दरिमा मोड़ और चठीरमा में किसानों के चक्का जाम में अपना पुरजोर समर्थन दिया है। यह किसान और मजदूर विरोधी तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक सरगुजा के किसान और सरगुजा के कांग्रेसजन किसानों के साथ खड़े रहेंगे और इस काले कानून का हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरे देश के किसानों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं कि इतने ठंड में भी इस केंद्र की किसान विरोधी सरकार का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग पूरे दमखम से आगे बढ़े, हम सब लोग उनके साथ हैं। जय हिंद। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो कुछ दिन पहले धान को घास बता रहे थे, अब ये पूरे देश भर के किसानों के साथ खुद को खड़ा होना बता रहे हैं, यानी किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देश के किसानों का आप समर्थन करने की बात कर रहे हैं, आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ के किसानों की तो सुध ले लीजिए। और छत्तीसगढ़ तो दूर है, सबसे पहले अगर बात करें तो आप अपने ज़िले यानी सरगुजा के किसानों की हालत देख लें। किसानों के नाम पर आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की है, या कहें घटिया राजनीति की है, पब्लिक इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, शायद किसान भी अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। दरअसल हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ ठगी किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो डीम प्रोजेक्ट है, नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत यानी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो जनपद पंचायत हैं उनको 18 लाख रुपये की राशि दी गई थी। वो राशि मोटे अनाज के लिए किसानों को एक किट प्रदान करने की योजना थी, जिस किट में अनाज, दवाई और कुछ जैविक खाद जैसा चीज़ उनको देना था। करीब इन तीन सामानों की जो कीमत है वो करीब 600 से 700 रुपये तक होता है, पर जनपद पंचायत के सीईओ ने कैसे एनजीओ के माध्यम से इस 600 से 700 रुपये की कीमत वाले किट को करीब 16,500 रुपये में प्रोवाइड कराया है, आप देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूरल एरिया है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यहाँ किसानों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी किया जा रहा है। इस संभाग में तीन तीन कांग्रेस के बड़े मंत्री हों, जहाँ सभी तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के हों, वहाँ कैसे इन किसानों के साथ खुलेआम ठगी किया जा रहा है। पहले ये पूरी खबर देखिए जो सीतापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के राधापुर पंचायत का है। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने 3 पैकेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस खाद का उपयोग धान, गेहूं, गन्ना, कपास, आलू, केला तथा चाय की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसमें जो कीमत है, कीमत इसका आप देखेंगे, इसमें रीप्रिंट किया गया है। अगर कीमत देखेंगे तो 145 रुपये दिखेगा। इसमें 145 रुपये का एक पैकेट है ये। ठीक इसी तरीके का आप देख सकते हैं दूसरे पैकेट में 145 रुपये कुल प्रिंट है, जिसको दोबारा रीप्रिंट यानी 400 रुपया इस पैकेट का कीमत जो है वो रखा गया है। ठीक इसी तरीके से ये बाजरा का पैकेट है। कितना किलो का पैकेट है ये? 2 किलो। 2 किलो का ये बाजरा है जो किसानों को वितरण किया गया है। एक मेडिसिन है, ये किसानों को दिया गया हुआ दवाई है ना, इसकी कीमत करीब 140 रुपये, इसमें मूल्य अंकित है आप देख सकते हैं, 140 रुपये इसकी कीमत है। और
अब मैं आपको इसकी कीमत जो एनजीओ ने जो अपने तरीके से रेट तय किया है, जो बीज वितरण है, मतलब इस बीज की जो कीमत है 2 किलो बाजरा की, वो करीब 3,000 रुपये है। और दवाई यानी जो एक सीसी दवाई है कुल 140 रुपये की, वो 3,000 रुपये है। इसी तरीके से जो उर्वरक है यानी कि जो खाद है, वो खाद 5,000 रुपये है, जो इसका जिस पैकेट का कीमत 145 रुपये है, उसको इन्होंने 5,000 रुपये में दिया है। तमाम किसान हमारे साथ हैं, सरपंच खुद यहाँ के किसान हैं, सरपंच को भी ये किट मिला है एनजीओ की तरफ से। हम सरपंच साहब से जानेंगे कि आपको जब ये किट मिला तो आपने कभी सवाल नहीं किया, इनसे पूछा नहीं कि 500 रुपये की कीमत का सामान है, किट है, और आप 16,500 रुपये में दे रहे हैं? नहीं, पहले इसके बारे में मालूम नहीं था, मेरे को रिंग करके बताए कि भाई आपके यहाँ से 35 हितग्राही हैं, भाई उनको आप सूचना कर दीजिए। तो लिस्ट कहाँ से बना? तो बोले कि भाई हम लोग को भी जानकारी नहीं कहाँ से बना, तो भाई मेरे को भी खुद जानकारी नहीं है। तो भाई उन लोग लिस्ट भेजे मेरे पास, तो किसानों को सूचना दिया मैं, उस समय में रेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये जनपद पंचायत सीतापुर अंतर्गत राधापुर पंचायत है, जहाँ के सरपंच से हम बात कर रहे हैं। पता था कि भी किसानों के लिए फ्री में दिया जा रहा है, आप इन किसानों को सूचित कर दीजिए, भाई कल आके बांट देंगे। तो मैं सब किसानों को सूचित कर दिया, और मैं भी था, भाई कितने का सामान वितरण हो रहा है ये जानकारी मेरे को नहीं था। बिल्कुल, तो सरपंच का कहना है कि चूंकि ये मुफ्त में मिल रहा था, किसानों को लगा कि ये सरकार की योजना है और इसलिए इन्होंने रख लिया। पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपये भी जिस पूरे सामान की किट की कीमत नहीं है, करीब इस पेपर में आप देख सकते हैं करीब 16,500 रुपया इसकी कीमत रखी गई है। इस तरीके से सरकारी राशि की जो है वो बंदर बांट यहाँ पर की गई है। अरे टोटल मिला के तो 500-700 रुपया का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो आप लोग को मालूम है कितने का मिलना था आप लोग को? वो मालूम तो नहीं है, लेकिन अब पता चल रहा है कि 16,500 रुपया पर हितग्राही को उतने का सामान मिलना चाहिए था। महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको नरवा गरवा घुरवा बारी के अंतर्गत लेते हुए किसानों को अनाज देने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जो एक योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत इसका वितरण किया गया है। और इस योजना में अगर जैसा कि आप बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, किसानों को मात्र 500 से भी कम राशि की सामग्री उपलब्ध है, और इसमें प्रशिक्षण के लिए या हितग्राही चयन के लिए 5,000 के करीब राशि का है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि आजकल पौष्टिकता के लिए, फाइबर्स के लिए इन अनाजों का उत्पादन फिर से शुरू किए जाने की सरकार की जो मंशा है, उस योजना को पूरा ना करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी और आम जनता के पैसे का दुरुपयोग और इस तरह से किसानों की इसकी जानकारी ना होना, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। और जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनको इसके प्रति जागरूकता फैलाते हुए उनको संपूर्ण सामग्री 16,500 जो प्रावधान की गई है प्रत्येक हितग्राही के लिए, उसको दिया जाना चाहिए था। दरअसल हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक महत्वाकांक्षी योजना है नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए करीब 18 लाख रुपये की राशि आई थी। और मामला ये था कि जनपद पंचायत के जो CEO हैं सूरज गुप्ता, उन्होंने गलत तरीके से निजी स्वार्थ के लिए किसी ऐसे NGO को ये काम सौंप दिया गया था जहां काम लगभग हुआ ही नहीं है। और इस पूरे 18 लाख की राशि का बंदरबांट किया गया। इस राशि को जारी करने से पहले ना तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष से कोई बातचीत की गई, ना किसी से कोई सहमति ली गई। मामला आने के बाद पता चल रहा है कि लगभग इलाकों में, लगभग जनपद क्षेत्रों में इसी तरीके का एक बड़ा घोटाला हुआ है। और अब नई नई बातें चूँकि खुलकर सामने आ रही हैं। जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं हमारे साथ शांति देवी, आप लोग पंचायत मंत्री जी के पास भी गए थे, वहाँ भी शिकायत किए हैं, क्या आश्वासन मिला उधर से? पंचायत मंत्री जब हमन गए रहे तो पंचायत मंत्री के सामने हमन एक दो किसान कर जो मिले रिस्किट वहू के लेके गए रहें, तो उन्हें देखें कि 145 रुपया का जो डब्बा है दवाई का, वो कर जो बिल बनी से है 3,000 रुपये। तो ऐसे तो हमारे पब्लिक में तो उस टाइप का एमन जो घोटाला करत जही
तो कोई लाभ तो नहीं मिली, तो पब्लिक तो हमर है, हमन ला आशा से बनाई नहीं है मुखिया की। अब तुमन ला इतना दिन से कांग्रेस समर्थित हवा ऐसे करके तुमन ला मुखिया बनाए हैं और तुमन सब ला खाए दे थे, इस टाइप का हमर ऊपर आरोप आवत है। तो हमन हमर सोच है कि हमन ये लड़ाई लड़ी और पब्लिक तक पहुँचाई। आप देख सकते हैं सरगुजा संभाग के दूरस्थ इलाका है, रायगढ़ रोड में सीतापुर जनपद पंचायत है। जनपद के जो CEO हैं इनकी मनमानी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये बदमाशी कर रहे हैं। 145 रुपये का जो किट किसानों को दिया जाता है दवाई, उसका 3000 का लगभग बिल बनाया गया है। इस बारे में पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं TS सिंहदेव, उनके पास भी इन्होंने जाकर शिकायत किया है और यहाँ तक कि इनके जो दस्तावेज को जनपद पंचायत के CEO के द्वारा गायब किया गया है, उस संबंध में थाने में भी शिकायत किया गया है। पर बड़ी विडंबना है कि सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि हैं, शांति देवी एक आदिवासी महिला हैं, अच्छा नेतृत्व है इनका इस इलाके में, अच्छी पकड़ है। और विडंबना देखिए कि लगातार शिकायतों के बाद भी एक CEO के हरकतों के कारण ये बेबस नज़र आ रही हैं। कई जगह पर शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई जो है होता दिखाई नहीं दे रहा है। परियोजना शाखा से, ट्राइबल डिपार्टमेंट से जनपद पंचायत सीतापुर को 18 लाख रुपये मिला था। ये मिलेट प्रोजेक्शन के लिए था जिसमें आदिवासी किसानों को 109 आदिवासी किसानों को 109 हेक्टेयर जमीन के लिए ये प्रोजेक्ट था, जिसपे उसको प्रमोशन के लिए उसको खाद बीज और ये सब वितरण करना था। कृषकों का चयन, हितग्राहियों का चयन कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाना था, तो वो ना करा के इन्होंने NGO को दे दिया, उन्हीं से कैंडिडेट सिलेक्शन किया। और एक कैंडिडेट सिलेक्शन करने के लिए 5000 रुपये एक यूनिट का कैंडिडेट सिलेक्शन कॉस्ट है। तो सोचिए कि 5000 × 9 मतलब करीब करीब 5-6 लाख रुपये का तो सीधे सीधे एक लाइन में घोटाला है, जो शासकीय अमला को करना था, जो कृषि विभाग को करना था, जो शासन का निर्देश था। तो उतना राशि का तो सीधे सीधे नुकसान किसको हुआ, जो गरीब किसानों को जो लाभ मिलना था। उसके बाद उन्होंने जैसे 3000 रुपये बीज के लिए लिख दिया, 3000 रुपये दवाई के लिए लिखा, 5000 रुपये खाद के लिए लिखा। लेकिन हम लोग का कहना है कि क्या कौन सा दवाई देंगे, कितना बीज देंगे, किस मात्रा में देंगे, उसका कीमत क्या होगा और कितने रकबे में जाएगा, उसका कोई डिटेल नहीं था। अब वो क्या किए कि 25 रुपये 50 रुपये का बीज दे दिए, 100 रुपये के अंदर का दवाई दे दिए, जिसका 3000 रुपये लिए, उसका बिल ज़्यादा बना के दे दिए। हाँ, मतलब वो प्रोजेक्ट बनाया ज़्यादा, बिल तो जमा किए नहीं, और उसका आधा है 10,80,000 रुपये तो प्रथम किस्त निकल गया है। एक तरह से साफ तौर पे मतलब ये कह सकते हैं कि किसानों के साथ बड़ा ठगी है ये। हाँ, मेरे को तो ये लग रहा है कि आखिर आप जब मतलब 5500% का घोटाला है ये, मतलब यदि निकाल रहे थे हम लोग तो मतलब एक गुना हो, दो गुना हो, 5500 मतलब 300 रुपये का सामान देख के 16,500 निकाल ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, और आपको ये जानकारी होगा, हम लोग भी हर्षप्रद हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, तो वहाँ का बात है। और यहाँ हम लोगों के यहाँ कांग्रेस के मंत्री हैं और भूपेश बघेल जी के खास हैं और सब हैं, तो वैसे में एक NGO को कैसे लाभ मिल जा रहा है इनके रहते हुए, ये और CEO का पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, ये समझ से परे है। मतलब लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थित हैं आप लोग, जनप्रतिनिधि सारे कांग्रेसी हैं, पर लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा लापरवाही सपोर्ट है कहीं ना कहीं किसी अधिकारी को। देखिए, एक बात है कि मैं तो पिछले 15 साल से था, मतलब 3rd term है मेरा ये, तो उस टाइम BJP की सरकार थी और पहला बार मैं शासन में आया हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि शासन में कैसे चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि उनको खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट शासन का, हम लोग शासन के, उनके जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का, उपाध्यक्ष पूरा बॉडी कांग्रेस का, और कांग्रेस का योजना, और उसमें एक अधिकारी को समर्थन देना या उसकी चोरी को बचाना, मतलब ये समझ से परे है। मतलब मेरे को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहीं गलती कर दिया इसको जाकर करके, या फिर कोई और बात है, समझ भी नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं एक CEO की हरकतों से लोग इतने परेशान हैं कि अब कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि हैं जनपद में, काफ़ी बेबस है। गड़बड़ी कोई करेगा तो उसको बचेगा थोड़े ना, कोई भी होगा गड़बड़ी करना, दस्तावेजी प्रमाण रहता है वो तो, और जो गड़बड़ करेगा वो उसका जिम्मेदार होगा। आप ही के यहाँ उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सभी कांग्रेस समर्थित लोग हैं,
दस्तावेज लेकर वो घूम रहे हैं और इस तरीके की बातें आई हैं कि जहां 600-700 रुपए का किट होता है जो किसानों को दिया गया है उसकी कीमत 16,500 के लगभग बताकर 109 किसानों के नाम पर इस तरीके से राशि मंजर बांटी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और जो होगा दस्तावेजी होगा तो उसका परीक्षण होगा और किसी को भी जब अपनी सरकार है तो क्यों यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत है। अपनी सरकार है तो सरकार में आदेश होता है, निर्देश होता है, कहीं धरना और प्रदर्शन थोड़े ना होता है। और ये जो विपक्ष वालों को साथ लेकर के सब करते हैं सब ठीक नहीं है। जो भी है उसको सरकारी स्तर पे लाएं, अपने मंत्री को दें, विभागीय मंत्री जी को दें, हम लोगों को दें, हम लोग देखेंगे उसको। और इस प्रकार का जो विषय है वो तो जांच का विषय है। जांच में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो होगा दस्तावेजी प्रमाण बोलेगा, कागज बोलेगा, निष्पक्ष रूप से एकदम निष्पक्ष। किसी के साथ कोई आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम ना बदले की भावना से किसी के काम करते हैं ना किसी के कहने से किसी को फंसाते हैं।